यार किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कोई आइडिया भी नहीं आ रहा। अरे यार, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज चेक कर। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज बेस्ट ऑप्शन। यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पेज ऐसा पेज है जहां पे पता नहीं किस किस्म की वीडियो ट्रेंडिंग में होती है। आई अल्लाह, मेरे पास कोई थीम नहीं था वीडियो का, कि टॉपिक नहीं था वीडियो का कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। मैं ऑलमोस्ट कोई 2 हफ्ते से यूट्यूब से गायब हूँ क्योंकि मेरे फाइनल से, तो जिससे आपको तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप लोग कौन सा मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे फर्क पड़ता, मैं कहा या नहीं यार, बी एक्टिव ऑन यूट्यूब अगेन। फिर मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा ना ऐसा इंटरेस्टिंग यूट्यूब में या हमारे मुआशरे में कि जिसमें वीडियो बन सके। फिर मैंने ना कुछ लोगों से मशवरे मांगे, तो समवन गिव मी एन आइडिया अबाउट गिव मी एन आइडिया ऑफ साइलेंट गर्ल बाबरी सियालकोट। तो मैंने कहा यार इतना गंदा आइडिया तुमने मुझे दिया है कि बाबरी सियालकोट वाली वीडियोस बनाने के लिए, मतलब उसे रोस्ट की करना है ना, उसकी वो एक्टिंग को या उसकी बातों को या उसकी बोल को या उसकी हरकतों को। तो मैंने कहा यार वो उसके लिए मुझे उसकी पहले पूरी टिकटॉक वीडियोस देखनी पड़ेंगी, और जो मेरे कानों में इतना दम नहीं है कि वो उसकी ब्रीक और तीखी आवाज़ बाबा जी वाली चीखने वाली वो सुन सकें। मैंने कहा ना 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 ना। फिर जी बाबा जी भागने वाली वीडियोस की मुझे कुछ आई कि उस पर हो जाए, तो मैंने कहा नहीं यार, हमारे कान इसका साथ देंगे नहीं, हैंड फिश मैन के भी हम कैसे सुनेंगे। अबे साले, बट मैंने कहा नहीं यार, ये टॉपिक मज़े के नहीं है, कोई टॉपिक अच्छा हो। देन यूट्यूब में चल क्या रहा है, शबीर जाफरी की मंगनी हुई, पाकिस्तान यूट्यूब में क्या चल रहा है, शबीर जाफरी की एंगेजमेंट ही चली जा रही है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। और दूसरा शाम और डक्की की एक पिक्चर बड़ी हुई है वायरल ना आजकल, वो शबीर की क्वाली नाइट की, तो वो एक टॉपिक है। और नंबर 3rd पे था वो हमारे पीएम साहब के कितने चिल हैं वो, और हमारे पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स, ये 4 टॉपिक हैं, आज इनको करते हैं कवर। सो सबसे पहले था शबीर जाफरी की मंगनी, ठीक है उस पर मैं क्या करूँ, रोस्टिंग क्या करूँ, क्या दूँ रिएक्शन दूँ, मैं बच्चा थोड़ी बैठ के इधर लगाऊँ उनकी मंगनी की वीडियो और कहूँ क्या बात है, चस आ गई चस आ गई। वो काम हमसे ना हो पाएंगे कि यहाँ लगा के है क्या बात है क्या बात है, मज़ा आ गया। वो फेक एक्टिंग हमसे नहीं होती, जो सच है वो सच है। शबीर जाफरी की इंगेजमेंट वीडियो मैंने देखी थी, बस ठीक थी, मज़ा नहीं आया, मतलब कि वो उस हाई लेवल के शॉर्ट्स नहीं थे। मंगनी होगी ठीक है हमें, क्या हम तो सिंगल ही हैं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। डक्की और शाम की पिक्चर एक साथ आई, मतलब कि देख के अच्छा लगा कि दो मुसलमानों की सुलह हुई है, दोनों साथ बैठे हैं, खा पी रहे हैं, मिल रहे हैं, बट ये सुलह आज से 2 साल पहले भी हो सकती थी। जब इनकी फाइट हुई थी तब क्यों नहीं हुई, यू नो बेटर, तब दो लोगों ने किरदार अदा किया था फुफो का, यू नो फुफो का किरदार अदा किया था कि फड्डेबाजी का, उन दोनों के बीच में वो दो लोग कौन थे, यू नो बेटर, आपके आपने में नाम आ चुका होगा, एक जैद एक राहिम परदेसी। अब जैद ने भाई क्या बात है, हाँ, सही पैसा छापा उस फाइट से, भाई उसके पास पैसे की कमी नहीं है, उसके व्लॉग देख के मैं डिप्रेस हो जाता हूँ ना अक्सर के, हैं हम तो मतलब के जी नहीं रहे, जी तो वो लोग रहे हैं कि बाप को लैम्बोर्गिनी नहीं दे रहा, क्या बात। This grass costs us $120. आप मुझे ये बात बताएं कि so दुनिया का कौन सा घास $120 का आता है। The Lamborghini over to them and giving them surprise number 2. तो मैं basically चाहता था कि आप लोग स्टाइल में जाएं, नॉर्मल गाड़ी में ना जाएं। So picking up the BMW i8, which is my dream car. जैद ने तब 7-8 वीडियोस ना बनाई थी उनके कॉन्फ्लिक्ट में, कि उनकी एक एक आती थी और जैद की 10-10 वीडियो आ रही हैं जी, 15-15 मिनट की वीडियो, बीच में 10-10 एड्स, और फुल भाई रेवेन्यू भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, और ट्रेंडिंग पे भी। आप ये किरदार अदा किया था उनकी फाइट में कि उसने इनफैक्ट ये कहने की जय के मिलो सुलह करो, वो नए फड्डे खोल के बैठा हुआ था। नंबर 2nd राहिम परदेसी ने अपना तब एक ना चैनल स्टार्ट किया था परदेसी स्क्वाड, तब वो नया नया बना था, बिल्कुल नया नया बना था, तो उस पर अभी वो उस हिसाब से ऑडियंस नहीं आ रही थी जैसे आनी चाहिए थी। राहिम परदेसी की एक्टिंग बहुत अच्छी है, ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, और वो उस चैनल पे जहाँ वो आ जाएँ वो खुद भी आ सकते थे, मगर स्लो आंत, बट उन्होंने उस फाइट से इतना फ़ायदा उठाया कि वो 1.5 लाख से 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स पे आ गए थे, सिर्फ उस फाइट पे वीडियोस बना बना के। ये दो लोगों ने
किरदार अदा किया था फुफो का। अब शाम की तरफ से जो फुफो थी वो था शमीर अबादशाह, मगर शमीर अबादशाह का भी कुछ ना कुछ था कि इनकी सुलह हो जाए। अब नंबर थर्ड पे, यार लाइफ में टेंशनें बढ़ी हैं, बट लाइफ कैसी होनी चाहिए, जैसी अपने पीएम इमरान खान साहब की, चिल बनता है, इतने चिल के वो पिक्चर उनकी जो हुई थी वायरल कि वो कुत्तों को बिस्किट डाल रहे हैं, क्या बात है कि गुर्बत है, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, जल से पीडीएम के मतलब हुकूमत भी गिरने के चांसेस हैं, जो कुछ हम लोग सुन रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया से मैं उसकी बातें करूँ, और वो इमरान खान साहब चिल अपने कुत्तों को डॉग्स को बिस्किट डाल रहे हैं, और बड़े चिल, वेरी चिल। लाइफ में चिलनेस वैसी हो तो मज़ा है, नहीं तो ना हो। वाओ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तानी मीडिया। ओह माय गॉड, वाओ, अस्तगफिरल्लाह यार, एक मिनट, या सच दिखाओ या झूठ दिखाओ, मतलब कि क्या? देखो, इंसान को मुनाफिकत नहीं करनी, ओरिजिनल होना चाहिए। तुम लोग झूठे हो, आम जिंदगी में मैंने आपको देखा रिकॉर्डिंग पर, किस कदर गलम गलो, बदतमीजी, बेहूदगी, यहाँ के मौजूद हम ऐसे नहीं, जो हैं वह हैं। एक चैनल कह रहा है कि जलसे में तड़ा तड़ा वहाँ में तिल धरने की भी जगह नहीं है, वर्ड लिखा हुआ था तिल धरने की भी जगह नहीं है। एक चैनल कह रहा है कि जी जलसा पूरा ही खाली है, 3000 लोग हैं, वो खुद ही कही जा रहा है। एक चैनल कह रहा है लोग बेशुमार हैं, एक कह रहा है कि जलसा पूरा ही खाली है, एक कह रहा है ठीक है भाई रिपोर्टिंग तो सही करो, वो कह रहा है कि 5-6000 बंदे हैं मैक्सिमम, यार इतने तो नहीं हो सकते ना, इतने तो उनके गार्ड ही थे सारे। और एक चैनल कह रहा है कि पूरा मनर पाकिस्तान बड़ा पड़ा हुआ है, अब ये भी झूठ है। तो पाकिस्तानी मीडिया को पता नहीं क्या हो गया कि आवाम के माइंड से खेलते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लोगों के माइंड से खेल रहा है, बड़ा अच्छी तरह खेल रहा है कि पीडीएम के जलसे से सब कुछ वाजिया हुआ, दो चैनल्स बड़े बड़े, और एक कह रहा है कि जलसा बिल्कुल ही खाली, और एक कह रहा है कि जलसा बहुत बड़ा हुआ। यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तानी मीडिया हमें क्या दिखा रहा है। बस बहुत ही लाइटर नोट पर वीडियो थी, अगर किसी को बुरा लगी हो तो आई एम सॉरी, बट ये सच्चाई है कि ये सब कुछ होता गया है पाकिस्तान में या होता आ रहा है। सो ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वार प्रोडक्शंस को। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।